जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग, जो आपकी नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसके बारे में हमने कंप्लीट आपको दोस्तों जानकारी दे दी थी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस किस सेंटर से आप जो है ये भर्ती आपकी निकली हुई हैं। दोस्तों जो आपके यहाँ पे 659 पौधे हैं, ये आपके कैसे कैसे निकले हुए हैं, कौन कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर ये जो भर्ती है वो क्या परमानेंट है। तो एक चीज़ मैं आपको ये दी दोस्तों जो आपको बोलना चाहूँ या रोकना चाहूँ, तो आपकी परमानेंट भर्ती आजकल आना क्या हो गई है भाई, क्या हो गई है, बंद। लेकिन ऐसा पिछली बार भी बच्चों ने भाई मुझे बोला था कि सर आपने हमें नहीं बताया एयरफोर्स ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट आई थी और हमने एनसी में अप्लाई करना भूल गए थे, यानी हमें पता ही नहीं चला। तो इस वीडियो में आप सभी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो आपकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है उसके बारे में, और साथ में आपकी यहाँ पे जो आपकी रिक्रूटमेंट है उसके बारे में। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। जो भी नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूल जाना दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों एयरफोर्स ग्रुप सी की भर्ती के रिगार्डिंग आपको अपडेट दिया था, तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा हमारे साथ, सारी अपडेट आप सभी के लिए सबसे पहले जो है दोस्तों हम बताते रहते हैं। अभी एक तो जो सवाल आपके बन रहे हैं, एक दो सवाल हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन तो दोस्तों मिलेगा ही नहीं। पहली चीज़ तो इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। दूसरा जो सवाल उठता है कि सर ये जो भर्ती होती है इसमें आपके यहाँ पे जो है, ये आपको मैंने बता ही दिया, 10वीं पास भर्ती है, इसमें दो स्ट्रीम रहती है, दो पोस्ट रहती हैं। एक तो दोस्तों आपकी हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम, एक रहती है हाउसकीपिंग स्ट्रीम। दोस्तों काफ़ी बच्चों के ये भी कमेंट था कि सर क्या ये भर्ती आपकी परमानेंट है, तो मैं यही कहूँगा भाई ये परमानेंट है। और ये परमानेंट कैसे परमानेंट है दोस्तों, पहले परमानेंट क्या होता था कि जैसे हम एयरफोर्स को ज्वाइन कर देते या फिर नेवी को ज्वाइन कर देते, तो क्या होता था कि आपके 20 साल था, आप उसको घटा कर कितना कर दिया है भाई, 4 साल कर दिया गया है। अब भाई क्या परमानेंट क्या नहीं, तो भर्ती परमानेंट ही है, बट बस बात यही है कि दोस्तों जो सरकार ने नियम बदले हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमें चलना ही पड़ेगा, और वही चीज़ें होने वाली है। रिटर्न टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, डेट की बात करता हूँ दोस्तों 3 अगस्त को नोटिफिकेशन आ चुका है। आवेदन करने की अंतिम 1 सितंबर 2023 है लास्ट डेट, और दोस्तों जैसे इंप्लीमेंट में आएगा तो आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और को दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप सभी जो है ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा। काफ़ी बच्चों के कमेंट आए सर नोटिफिकेशन नहीं मिला। अरे भाई नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिलेगा, आप इस भर्ती को यहाँ पे देखो कुछ डिटेल्स और दी गई थी, उस डिटेल को आपको पढ़ना चाहिए था। देखो इसमें क्या डिटेल दे रखी है, एक तो आपकी एज को लेकर सवाल आ रहे थे, तो दोस्तों ये जो आपकी इसके अंडर आपकी एज आती है ना तभी आप आवेदन करना, अगर इस डेट के भीतर आती है तो ही करना, क्योंकि इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता भाई। ये सबसे बड़ा जो है ना भाई, एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी आपने खो दी। और इसके बाद आपका सवाल आता है कि इसे जो है इसमें क्या सिलेबस रहता है, तो सिलेबस सीधा सा है भाई, भर्ती अग्निवीर के तुरंत, दोस्तों अग्निवीर के तुरंत ही हो रही है भर्ती, जो भी हो रही है वो अग्निवीर के अंडर में ही हो रही है, तो ये भर्ती भी अग्निवीर के अंदर ही होगी। अब कुछ बच्चों कहें सर हम अग्निवीर हैं नहीं जाएंगे, अरे भाई तो फिर 4 साल आर्मी में जा रहे हो तो यहाँ 4 साल में जाने में क्या है भाई। मैं तो ये कहता हूँ पिछली बार तो इतना जो है दोस्तों बेस्ट मौका था, मैं भी गया हुआ था भाई मेडिकल में, मतलब 4 दोस्तों वैकेंसी थी हमारे जो स्टेशन पे, और 4 वैकेंसी में मात्र आपके दोस्तों 8 बंदे पहुँचे थे। पेपर देने की तो बात 20-25 बंदे आते हैं, ठीक है, लेकिन अब की बार दोस्तों मैं आपको इसका जम के जो आपको बस बताने वाला हूँ, तो भाई अप्लाई कर देना, मौका है, क्योंकि यार अगर आप अच्छे खासे जो है नंबर ले आते हैं और थोड़ा बहुत आपका दोस्तों जो है कुछ देखेगा, 10 क्वेश्चंस तो आपके रिक्वायर्ड ही रहेंगे, अगर आपके ये नहीं आए तो आप बाहर हो जाएंगे दौड़ से। उसके बाद इंग्लिश आपका 10 मार्क्स का रहेगा, नॉलेज ये 10 मार्क्स का रहेगा। पेपर कैसा आता है टेलीग्राम पे डाल रखा है ऑलरेडी, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन की बात करते हैं, नोटिफिकेशन भी भाई अवेलेबल है, तो ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में आपका जितना ज़्यादा नहीं है। अब मैं मेन चीज़ जो है डिस्कस करता हूँ दोस्तों, नोटिफिकेशन अभी शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, क्या हुआ है भाई शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, लेकिन मैं आपको सेंटर बता देता हूँ कि भर्ती कहाँ कहाँ आती है, कैसे भर्ती आती है। दोस्तों ये जो भर्ती होती है
वो आपकी साल में दो बार आती है। साल में कितनी बार आती है भाई? दो बार आपकी भर्ती कंडक्ट होती है साल के अंदर, यानी वन साल में आपकी वन ईयर में टू बार ये वैकेंसी निकलती है दोस्तों। और सेंटर क्या रहते हैं वो सेंटर देख लो दोस्तों, अब की बार भी यही सेंटर आपके रहने वाले हैं। लेकिन काफ़ी बच्चे क्या करेंगे कि दोस्तों अभी डिटेल नोटिफिकेशन आना है, उससे पहले आवेदन मत कर देना भाई। तो चलो मैं आपको जो है दिखाता हूँ सेंटर। एक चीज़ बता दो भाई मुझे, सैलरी कहाँ कम है? सैलरी देखो कितनी ज़बरदस्त दे रही है भाई। चार साल के लिए जा रहे हो, लेकिन भाई चार साल में सब में जाते हो, लेकिन सैलरी देखो भाई 30,000 पैकेज ले लो दोस्तों। ये देखो, उसके बाद सेकंड ईयर 33,000, थर्ड ईयर भाई मेरे हिसाब से तो ये चार साल आप भाई अच्छे से जो है ना नौकरी कर लो, और भाई अच्छे से ऐसा कर लेना कि वहाँ बस अपनी पूरी जानकारी रख लेना। जानकारी जब होती है, और दोस्तों पिछली बार जो कैंडिडेट भर्ती हुए थे वो तो भाई अच्छे से क्योंकि चिपक गए हैं, क्योंकि उनका जानकारी भाई हो ही जाता है। और जब जानकारी हो जाती है अच्छे से तो आपको और से पैकेज भी मिल जाता है भाई। ये भर्ती कोई कमज़ोर थोड़ी है, देखो ये कोई भर्ती कमज़ोर थोड़ी है, ये पैकेज लोगे इतना सारा करोगे ना भाई, चार मत कहता हूँ भाई, चार साल अब नौकरी में गुजार लो भाई, आपकी इमेज बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, यानी दोस्तों आप जो है एक मतलब अच्छा प्रोफेशन में आ जाएंगे। और इससे ज़्यादा यार क्या ही है, क्योंकि भाई सभी जब करती करी दी चार साल तो हमें समर्थन में अब आना ही पड़ेगा ना, ये इस कारण से ही है। तो ये सैलरी का पैकेज देखकर भाई आ जाओ और फॉर्म को अप्लाई करो। फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है दोस्तों, अपनी वेबसाइट पे आ जाना studymaterial A to Z.in, वहाँ पे आपको जो है सारे अप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं एक एक चीज़ें बताता हूँ। न्यू दिल्ली के अंदर ये जो आपका पोस्टल एड्रेस है, यहाँ पे वैकेंसी निकलेगी, इसमें वैकेंसी निकलेगी। AOC का कोई यहाँ पे जो है दोस्तों दिल्ली के अंदर ही पड़ता है। ये एयर ऑफिसर कमांडिंग है, ये भी आपका दिल्ली में पड़ता है, यहाँ वैकेंसी है, दिल्ली में वैकेंसी है। इनका एड्रेस भी दिया गया है, ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम से सभी बच्चे जो है इसको चेक कर लेना। और न्यू दिल्ली, बेंगलोर, यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपकी आने वाली है, पुणे, थाने, भुज, जोधपुर, जामनगर, काफ़ी बड़ी लिस्ट है दोस्तों। वडोदरा, जैसलमेर, फलोदी, नलिया, उतरलाई, उसके साथ जोधपुर, वर्दासर, मुंबई, जयपुर, सुलूर, और दोस्तों बेंगलोर वगैरह, ये काफ़ी सारे हैं दोस्तों, ये सभी हैं, आप इनको देख लेना। टेलीग्राम पे इसकी लिंक चार्ट दी जाएगी। तो ये आपके एड्रेस रहेंगे, ये जो एड्रेस हैं यहाँ पे भर्ती आने के पूरे पूरे चांस हैं कि आपके इन टोटल जो है 92 सेंटर बनाए गए हैं। इन 92 सेंटर में दोस्तों पिछली बार तो मेरे में चार वैकेंसी मुझे मिली थी। इस प्रकार से आपका जो सेंटर कहाँ होगा, तो मेरा कहीं राजस्थान में ही था तो आपको इतनी वैकेंसी। और दोस्तों जैसे ये जो बड़े बड़े होते हैं उनमें 7-8 वैकेंसी, 9-10 वैकेंसी होती है, तो भाई एक वैकेंसी के लिए जो है ना बच्चे हज़ारों फॉर्म भर देते हैं, तो आप भाई इतनी इतनी वैकेंसी है तो फॉर्म भर देना, पैकेज ले लेना। बट यही अपडेट है। और दोस्तों इसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता देते हैं। कुछ नहीं करना, गूगल में सर्च कर लेना अपने चैनल का नाम Study Material A to Z। अगर आप एयरफोर्स नॉन कॉमेंट रिक्रूटमेंट लगाओगे तो भी भाई अपनी वेबसाइट पे सबसे पहले अपनी वैकेंसी आने वाली है, यानी अपना जो है दोस्तों नोट। इसमें यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म दिया गया, इस ऑफलाइन फॉर्म पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इसमें मेरा ब्राउज़र में ये ओपन ही नहीं हुआ है ना, बट आप जैसे ही ओपन करेंगे उसमें आपका अपना UPI मिल जाएगा। 20-200 पेमेंट रखते हैं हम कोई भी ऑफलाइन फॉर्म का, तो वो आप ले लेना। ये थी सारी कंप्लीट जानकारी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।